ये बयान तो सरकारें जारी करती हैं, बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री जारी करते हैं, बयान दबंग नेता जारी करते हैं। हम कलंदर लोग बयान जारी कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ जारी नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूँगा। मैंने जो बयान का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि अगर ओएसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। तो बताओ, 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के, हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।